The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया आपको, ईएमएफ दिया 12 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 0.4 ओम और मैक्सिमम करंट कितनी उसमें ड्रॉ होगी वो पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या करेंगे, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर देंगे। ईएमएफ तो 12 वोल्ट है तो हम ये चाहेंगे कि सर्किट का रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो कम से कम रेजिस्टेंस तब होगा जब इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो कम से कम जो रेजिस्टेंस है वो 0.4 ओम तो रहेगा ही रहेगा, इससे कम रेजिस्टेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, तो इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो कितनी होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट, 12 अपॉन 0.4, पॉइंट हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी 30 एम्पियर। 30 एम्पियर जो होगी वो मैक्सिमम करंट होगी। क्लियर। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये कनेक्ट की गई है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मान लिया, इसका नाम रख देते हैं कैपिटल आर, पता नहीं है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, सर्किट में जो करंट आ रही है, जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.5 एम्पियर है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह से सर्किट में अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो आई जो होगी वो होगी नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ है 10 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस ये आर और ये 3 ओम, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, आपस में सीरीज में। जो करंट आर में फ्लो हो रही है वही करंट 3 ओम में फ्लो हो रही है, करंट दोनों में सेम फ्लो हो रही है, तो ये दोनों किस में है आपके, सीरीज में। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 + R। नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस ये नेट करंट के बराबर होगा और नेट करंट दिया आपको 0.5 एम्पियर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 + R हो गया आपका 20, तो जो R आ गया वो आपका आ गया 17 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा वो कितने ओम का होगा, 17 ओम का। फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। ये डिस्चार्जिंग स्टेट में, और डिस्चार्जिंग स्टेट में बैटरी अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E-IR होता है। चार्जिंग स्टेट में होता है E+IR पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्चार्जिंग स्टेट में होता है E-IR। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के अक्रॉस वो आपका हो जाएगा E-IR। ईएमएफ कितना है 10, माइनस करंट कितनी है 0.5 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3। तो ये 10 - 3/2, 10 - 1.5, दैट विल बी 8.5 वोल्ट। बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 8.5 वोल्ट। थ्री रेजिस्टर्स 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm आर कम्बाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तीन रेजिस्टेंस हैं 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm और ये सीरीज में लगे हैं। तो सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है वो आपका आता है R1 + R2 + R3, जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं सबको जोड़ते चले जाना है, ये आपका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 ये हो जाएगा 6 ohm, 6 ओम हो गया नेट रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो इसको ढंग से समझना, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और इसके अक्रॉस ये 12 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm। सीरीज में है तो सीरीज में करंट क्या होगी, सेम करंट फ्लो करेगी, सब में आई करंट फ्लो करेगी। तो ये जो करंट फ्लो करेगी ये कितनी होगी, तो करंट जो होगी सर्किट में नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो ये 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर जाएगी। अब अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी तो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है ओम्स लॉ से वो V = IR होता है। तो पहले के अक्रॉस अगर हम देखें तो करंट तो सब में 2 एम्पीयर ही फ्लो कर रही है और पहले का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो जाएगा। दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट तो 2 एम्पीयर ही है और लेकिन रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाएगा।
और तीसरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट 2 एम्पीयर एंड रेजिस्टेंस इज 3 ओम दैट विल बी 6 वोल्ट और नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा तीनों का सम वो कितना जाएगा 12 वोल्ट। ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हो सीरीज में करंट सेम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्योंकि करंट क्या है सेम। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा यानी 1:2:3 ये पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होगा और 12 वोल्ट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिवाइड करना 1:2:3 तो जो पहला हिस्सा आएगा वो आएगा 1/6 × 12 दूसरा जो हिस्सा आएगा वो आ जाएगा 2/6 × 12 और तीसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3/6 × 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हो रेशियो प्रोपोर्शन लगा के भी आप फाइंड कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा। थ्री रेजिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कम्बाइंड इन पैरेलल व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ 1/R net जो होगा वो हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 20 तो ये होगा 10 + 5 + 4 तो नेट रेजिस्टेंस जो आया आपका 20/19 आया। नेट रेजिस्टेंस जो आपको मिल रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 20/19 ओम। क्लियर, ठीक, ए पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट एंड नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब इसको आराम से समझना है आपको, इस तरह की सिचुएशन है, एक रजिस्टर है 2 ओम 4 ओम 5 ओम इस तरह का सेटअप है और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी जा रही है 20 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है और ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी जा रही है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होती है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसका मतलब हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 20 वोल्ट होगा। तो इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, इसके अक्रॉस अगर 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो 10 एम्पीयर इसमें करंट फ्लो कर जाएगी। फॉर्मूला V=IR, पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी के अक्रॉस 20 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम था तो इसमें से करंट कितनी फ्लो कर जाएगी 10 एम्पीयर, इसमें से करंट कितनी फ्लो कर जाएगी तो 20/4 5 एम्पीयर और इसमें करंट कितनी फ्लो कर जाएगी 4 एम्पीयर, यानी बैटरी से नेट करंट कितनी एक्सट्रैक्ट होगी तो नेट करंट जो आएगी वो 19 एम्पीयर करंट जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी, होनी भी चाहिए क्योंकि नेट करंट जो होगी वो हो जाएगी नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट पोटेंशियल तो 20 वोल्ट है और नेट रेजिस्टेंस अभी हमने देखा कितना था 20/19 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 19 एम्पीयर ही तो आएगी नेट करंट, तो आनी भी चाहिए 19 एम्पीयर नेट करंट आपकी फ्लो होगी बैटरी से। हर ब्रांच में कितनी कितनी करंट जा रही है 10 एम्पीयर 5 एम्पीयर 4 एम्पीयर। क्लियर, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस अल्फा आपको दिया है, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर का पता नहीं है, किसी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो है 117 ओम और टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा आपको दिया है 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन आपको दी हुई है और आपको टेम्परेचर फाइंड करना है तो रिलेशन जो होता है वो होता है R=R0 1+α T − T0। आर नॉट आपका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी नॉट पे, R आपका रेजिस्टेंस है टेम्परेचर टी पे और ये क्या है, ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। सारी वैल्यू पुट करते हैं, R कितना है 117, आर नॉट कितना है 100 × 1+α, अल्फा पता है आपको, टी आपको निकालना है और टी नॉट जो है वो है 27 डिग्री सेल्सियस में पुट करते हैं क्योंकि डिफरेंस तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, और दूसरी बात ये जो अल्फा दिया है ये पर डिग्री सेल्सियस ही दिया है तो केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, तो ये डिग्री सेल्सियस में आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे तो 1.17
इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी माइनस 27। अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा अल्फा या इसको 1 को इधर लाते हैं तो 0.17 आ जाएगा, और अल्फा से डिवाइड कर लेते हैं, अल्फा है 1.7 इंटू 10^-4, ऊपर जाके बन जाएगा 10^+4 इज इक्वल टू टी माइनस 27। ठीक, तो ये पॉइंट हटाएंगे, एक पॉइंट यहाँ लेके आते हैं तो 10^3 बन जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1000 हो गया, और प्लस 27 इधर ले आते हैं तो जो टेम्परेचर आ रहा है आपका, टेम्परेचर आ रहा है 1027 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर वो रेजिस्टेंस होगा जब उसकी वैल्यू 117 ओम हो जाएगी, 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ किया हमने वो ये है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1+α डेल्टा T, डेल्टा T मतलब T माइनस T नॉट, R नॉट आपका रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर T नॉट पे, और R ये रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर T पे। ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 × 10^-7 मीटर स्क्वायर, इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस पर्टिकुलर सेटअप पे उस रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो बहुत ही सिंपल है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होती है लेंथ, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस आपको पता है 5 ओम है उस टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है, लेंथ आपकी 15 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 × 10^-7 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम कैंसिल करें तो 5 से 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, तो रेजिस्टिविटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 × 10^-7। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम इंटू मीटर होती है, रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम इंटू मीटर, ये आ जाएगी रेजिस्टिविटी 2 × 10^-7। ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। टेम्परेचर कोफिशियंट पूछ रहे हैं, तो ये वही क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 1+α टी माइनस टी नॉट, ये रेजिस्टिविटी, ये टेम्परेचर कोफिशियंट यही निकालना है आपको। आर कितना, आर है 2.7, आर नॉट कितना है 2.1, 1+α आपको निकालना है, टेम्परेचर 100 माइनस 27.5, तो कैलकुलेशन ये आपको खुद से कर लेनी है, और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। क्लियर, अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू ए स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। तो ऐसा हुआ क्या होगा, एक नाइक्रोम का एक रेजिस्टेंस है, नाइक्रोम वायर है एक, और इसको 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है, तो शुरुआत में जो इनिशियल करंट है I1 कह सकते हैं उसको, वो ड्रॉ करता है 3.2 एम्पियर। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद एक स्टडी वैल्यू अचीव कर लेता है और वो वैल्यू है 2.8 एम्पियर। तो करंट कम क्यों हो गई, करंट कम हो गई इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, और रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया होगा कि जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो ये हीटअप होगा, और हीटअप होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके रेजिस्टेंस, टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, फिर करंट फिक्स हो जाएगी। यानी ये रेजिस्टेंस होगा आर नॉट और ये रेजिस्टेंस होगा आर। ठीक है, शुरुआत में रूम टेम्परेचर है तो आर नॉट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा 27 डिग्री सेल्सियस, और आर के करस्पॉन्डिंग क्या टेम्परेचर होगा वो आपको निकालना होगा, टी डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ठीक है, तो पहले आर नॉट निकालते हैं, आर नॉट कितना हो जाएगा, तो आर नॉट जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा वोल्टेज अपॉन उस टाइम करंट कितनी है 3.2 एम्पियर, तो ये आर नॉट होगा। आर कितना होगा, आर हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट कितनी है 2.8 एम्पियर, ये करंट हो गए। और फॉर्मूला क्या लाएंगे हम, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1+α टी माइनस टी नॉट। अब आपको इस फॉर्मूले में देखना, आपको सब कुछ पता है, आपको रेजिस्टेंस पता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, आपको अल्फा भी दिया है, आपको टी नॉट भी दिया है, सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है टी। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर रहती है, आप खुद से करो इसको कैलकुलेट अच्छे से, और आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, टी बस निकालना है, टी आपको मिल जाएगा।
डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। इस नेटवर्क को गौर से देखो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब इस मिडिल वाली ब्रांच में भी करंट जाएगी और इसमें कई सारी इक्वेशंस बनेंगी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्व करना। लेकिन इसमें एक खास बात है, वो है डायगोनल सिमेट्री। मतलब अगर यहाँ रेजिस्टेंस 10 ओम है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और यहाँ रेजिस्टेंस 5 ओम है तो यहाँ भी रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। इसका मतलब डायगोनल सिमेट्री में एक फायदा होता है कि जो करंट इस 10 में फ्लो करेगी वही करंट इस 10 में फ्लो करेगी, और जो करंट इस 5 में फ्लो करेगी वही करंट इस 5 में फ्लो करेगी। ठीक, तो अगर हम करंट मानना शुरू करें, मान लिया यहाँ से करंट आई है आई, क्लियर, इसमें ये जा रही है आई वन, इसमें ये जा रही है आई टू। तो इसमें जब आई वन जाएगी, यहाँ से I2 आएगी, तो इसमें भी करंट I1 ही जाएगी, क्योंकि इस 10 ओम में अगर I1 जा रही है तो इस 10 ओम में भी कितनी जाएगी I1। इस 5 ओम में अगर I2 जा रही है तो इस 5 ओम में भी कितनी जाएगी I2। ये डायगोनल सिमेट्री का फायदा होता है। तो यहाँ से करंट ये I1 जा रही है, इसमें जा रही है I2, तो रिमेनिंग करंट यहाँ पे इसमें कितनी आएगी I1 माइनस I2, ये करंट फ्लो करेगी। I1 माइनस I2 यहाँ से आएगी, यहाँ से I2 आएगी, दोनों मिलकर I1 बन जाएंगी और यहाँ चली जाएंगी, और वापस ये कितनी करंट आ जाएगी I। तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी I इज इक्वल टू कितना है I1 प्लस I2। तो इसको I नहीं लिखते, सीधे I1 प्लस I2 ही कर देते हैं, और इसको भी I नहीं लिखते, सीधे क्या कर देते हैं I1 प्लस I2, क्लियर। तो अब हम इक्वेशंस बनाने शुरू करते हैं। तो आपके पास कितने अननोन है, आपके पास दो अननोन है, ठीक है। बनना हमारे पास कई सारे अननोन हो जाते, आई भी हो जाता, फिर हम एक आई थ्री भी मान सकते थे, लेकिन हमने डायगोनल सिमेट्री का कंसेप्ट यूज़ कर लिया कि अगर इस फाइव में आई टू हो जाएगी, इस फाइव में भी आई टू ही जाएगी, इस टेन में अगर आई वन है तो इस टेन में कितनी जाएगी आपकी आई वन। तो एक बार तो इस लूप में घुमाते हैं, ठीक है। इसमें किरचॉफ लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 10 I1 प्लस 5 I1 माइनस I2, और ये करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो -5 I2। क्या लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 I1, फिर इस वाली ब्रांच में +5 I1 माइनस I2, और इस ब्रांच में करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो -5 I2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये आ जाएगा आपका 15 I1 -5 I2 -5 I2, तो 10 I2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 I2। तो ये आपका आ गया 3 I1 इज इक्वल टू 2 I2। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन वन। अब इस लूप में लगाने का फायदा नहीं, क्योंकि ये वाला लूप और ये वाला लूप आइडेंटिकल है, तो जो इसमें आंसर आएगा वही इसमें आंसर आएगा। अब क्या करते हैं, अब एक बड़े लूप में घूमते हैं हम, ऊपर से और नीचे से बैटरी को लेते हुए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 I1 5 I2, यहाँ कुछ नहीं है, -10 प्लस 10 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं 10 I1 फिर 5 I2 फिर यहाँ पे -10 और यहां पे +10 टाइम्स I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ जाएगा, 10 I1 ये है और 10 I1 ये है, तो 20 I1 आ गया, +5 I2 ये है और 10 I2 ये है, 15 I2 आ गया इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, I1 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। I1 जो है वो है 2 I2 अपॉन 3, तो 20 टाइम्स 2 I2 अपॉन 3 +15 I2 इज इक्वल टू 10। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये जाएगा 8 by 3 plus 3 I2 इज इक्वल टू 2। 3 3 जा 9, 9 और 8 17 हो जाएगा, तो 17 I2 अपॉन 3 जो है वो 2 के बराबर आ रहा है। तो यहां से I2 पता लग गया, I2 आपका आ गया 6 अपॉन 17 एम्पियर। I2 जो करंट आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 6 अपॉन 17 एम्पियर, क्लियर। चलो अब I1 निकालते हैं, तो I1 जो है वो ट्वाइस I2 बाई 3 है, तो 2 बाई 3 टाइम्स 6 अपॉन 17, 3 से अगर कैंसिल करें ये 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 17 एम्पियर। I1 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 17 एम्पियर, I2 कितना 6 अपॉन 17 एम्पियर। तो इस 10 ओम वाले में कितनी करंट जाएगी, 6 अपॉन 17 प्लस 4 अपॉन 17, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 17 एम्पियर, ठीक। और इस बीच वाले में I1 माइनस I2 है,
I1 है 4/17, I2 है 6/17। जब हम माइनस करेंगे तो -3/17 एम्पियर आएगा। तो इस बीच वाली ब्रांच में करंट आ रही है -3/17 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, इस माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब ये हुआ कि करंट नीचे की तरफ फ्लो नहीं करेगी, करंट कहाँ फ्लो करेगी? ऊपर की तरफ करंट फ्लो करेगी। ठीक है, करंट कहाँ फ्लो करेगी? ऊपर की तरफ। 3/17 एम्पियर ही होगी, बट कहाँ फ्लो करेगी? वो ऊपर की तरफ। तो आपको सारी ब्रांचेस में करंट पता लग गई है, किसी में आपकी 6/17, किसी में 4/17, किसी में 3/17, किसी में 10/17, सारी करंट्स आपको पता लग गई हैं। एक मिनट, ये 6/17 और ये 4/17 माइनस करेंगे तो -3/17 नहीं, -2/17। ये जो करंट है ये कितनी आ रही है? -2/17। माइनस का मतलब क्या, करंट नीचे की तरफ नहीं फ्लो करेगी, करंट कहां फ्लो करेगी? करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। क्लियर? इन ए मीटर ब्रिज फिगर 3.27, इसकी फिगर दी है कुछ इस तरह से। एक फिगर है जिसमें आराम समझना आपको, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, और ये वायर है आपका, मीटर ब्रिज का वायर है, और यहां पे ये गैल्वेनोमीटर है, और ये बैलेंस पॉइंट है। ठीक, ये जो रेजिस्टेंस है वो एक्स है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो वाई है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो एंड है, ये ए है, और ये जो पॉइंट है ये आपका कहीं बी दिया है, ये पॉइंट कोई सी दिया है, कुछ इस तरह से पॉइंट है। ठीक, तो बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये जो लेंथ L1 है ये आपको दी है 39.5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। और कब? व्हेन द रेजिस्टर Y इज 12.5 ओम। जब ये 12.5 ओम होता है तो ये लेंथ आपको 39.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस X, ये X निकालना है आपको। तो ये लेंथ L1 है, तो ये लेंथ कितनी होती है? ये लेंथ होती है 100 माइनस L1। ठीक है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है, जिसमें R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 के बराबर हो जाता है, या R1/L1 इज इक्वल टू R2/L2, कैसे भी समझ लो आप इसको। X/Y इज इक्वल टू करेंगे हम तो यह आ जाएगा L1/100 - L1, अगर ये बैलेंस पॉइंट है। तो आपके पास Y है, आपको X निकालना है। Y है आपके पास 12.5, L1 है आपके पास 39.5, और L2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60.5। 100 माइनस L1 करेंगे तो 60.5 हो जाएगा ये। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे और यहां से आप X रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे। ठीक, तो कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रेजिस्टर्स एंड व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर? थिक कॉपर स्ट्रिप करने का फायदा ही होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। एरिया जितना ज्यादा होता चला जाएगा, रो एल अपॉन ए, एरिया जितना ज्यादा होता चला जाएगा उतना रेजिस्टेंस क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो जितने भी कनेक्शंस बनाए जाते हैं, मीटर ब्रिज में हो या व्हीटस्टोन ब्रिज में हो, किसी में हो, वो थिक कॉपर स्ट्रिप से बनाए जाते हैं। यहां पे जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। यहां पे ये जो स्ट्रिप है ये थिक कॉपर स्ट्रिप होती है। उसका फायदा ये होता है कि रेजिस्टेंस इन स्ट्रिप्स का काफी कम होता है, यानी जो भी रेजिस्टेंस सिस्टम में है वो एक्स में होता है, वाई में होता है, और इस वायर में होता है। ठीक है, बाकी कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, ताकि एरर जो है कम से कम आता है। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। एक्स की जगह वाई लगा दें, वाई की जगह एक्स लगा दें, तो ये लेंथ भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 39.5 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी 60.5 सेंटीमीटर। अगर आपने रेजिस्टेंस इंटरचेंज कर दिए हैं तो लेंथ भी क्या हो जाएगी? लेंथ भी आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। तो दूसरे केस में ए से जो लेंथ होगी बैलेंस पॉइंट की, वो कितनी होगी? 60.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेजिस्टेंसेस का रेशियो और लेंथ का रेशियो बराबर होता है। तो रेजिस्टेंस अगर आपस में इंटरचेंज कर दिए हैं, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, तो लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी? ये इंटरचेंज हो जाएगी। जहां 39.5 है वहां 60.5 हो जाएगा, जहां 60.5 है वहां पे 39.5 हो जाएगा। क्लियर? बी पार्ट। सी पार्ट, व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज? वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट? ये यहां पे वाई, ये आपकी बैटरी होती है। कह रहे हैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशंस अगर आपस में इंटरचेंज कर दी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जरा व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज देखो तब तो आपको समझ में आएगा।
इसमें यहां लगा होता है गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस पी है, ये रेजिस्टेंस क्यू है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये रेजिस्टेंस एस है, और यहां लगी होती है बैटरी इस तरह से। और अगर ये बैलेंस है यानी पी अपॉन क्यू जो है वो आर अपॉन एस के बराबर है, इसको ढंग से समझना है, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर है तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है, यहां से कोई करंट पास नहीं करती है, जो भी करंट यहां से जाती है कुछ करंट ऊपर से निकल जाती है, कुछ करंट नीचे से निकल जाती है और वापस यहां आ जाती है, ठीक। अब अगर आप इसमें पोजीशंस चेंज कर दो, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगाओ, बैटरी जगह गैल्वेनोमीटर लगाओ, ये पी है, ये क्यू, ये आर और ये एस, और यहां आपने लगाई है बैटरी और यहां लगाया है आपने गैल्वेनोमीटर, तो अब भी ये सेटअप वैसा का वैसा ही है। यहां से जो भी करंट जाएगी कुछ पी से आर से होती हुई वापस आ जाएगी और कुछ की क्यू से और एस से होती हुई वापस आ जाएगी, इसमें डिफ्लेक्शन फिर भी क्या होगा, जीरो। तो बैलेंस स्टेट में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजिशन आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली एक एक इसको गौर से देखो, ये बेसिकली एक फोर कॉर्नर वाला का सेटअप है जिसमें दो कॉर्नर्स के बीच में डायगनल, एक डायगनल के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और दूसरे डायगनल के बीच में आपने बैटरी लगाई है। अब चाहे आप उल्टा भी खेल सकते हो, एक डायगनल के बीच में आप बैटरी लगा दो और दूसरे डायगनल के बीच में आप क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस है, ठीक, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस है, तो कोई इसको ये भी तो कह सकता है कि पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, तो वो यहां हो गया पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, बैलेंस बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये आप आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजिशन आपस में इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, नो। स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई यूजिंग ए सीरीज रेजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। आराम समझना, एक स्टोरेज बैटरी है 8 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम, और इसको 120 वोल्ट डीसी से सप्लाई कर रहे हैं लेकिन साथ में एक सीरीज रजिस्टर भी लगा रहे हैं, एक सीरीज रजिस्टर लगाया 15.5 ओम का, और अब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा के इसको चार्ज कर रहे हैं, काफी हैवी बैटरी है, 120 वोल्ट की बैटरी है, ये चार्जिंग चलेगी, ये हैवी बैटरी है तो इसमें करंट ऐसे निकलेगी और इस बैटरी में करंट चली जाएगी, ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। सबसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग। चार्जिंग में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है किसी भी बैटरी के अक्रॉस, तो ई प्लस आई आर होता है, ई माइनस आई आर नहीं होता है। डिस्चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर होता है, चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर होता है, ठीक है। तो चार्जिंग हम निकाल सकते हैं, पहले हम करंट निकालें, करंट कितनी फ्लो करेगी, तो नेट ईएमएफ कितना है, तो ये 120 वोल्ट और ये 8 वोल्ट, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा 120 माइनस 8 112 वोल्ट अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज में है दोनों, ये और ये सीरीज में आपस में सेम ही करंट फ्लो कर रही है, नहीं तो आप इसमें किरचॉफ लगा लो, अगर आपको जरा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप किरचॉफ लगा दो। अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करें तो क्या लिखोगे, आई आर 15.5, पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया प्लस 8 प्लस आई आर आई इंटू 0.5 और फिर चलते चलते नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया तो माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो, तो आई जो आ गया वो आपका 120 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, अपॉन ये दोनों ऐड हो जाएंगे 16, तो ये आ जाएगा 112 अपॉन 16। अगर यहां से देखो तो यहां से भी वही आ रहा है, नेट ईएमएफ 112 और नेट रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में है, कैसे पता लगा सीरीज में, क्योंकि इनमें सेम करंट फ्लो हो रही है, भले इनके टर्मिनल आपस में कनेक्ट नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अगर सेम करंट फ्लो हो रही है तो ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे, और इनका नेट कितना आ जाएगा 16, नहीं तो आप किरचॉफ लगा के कर लो। तो इसको अगर हम कैंसिल करें सेवन टाइम्स, सेवन एम्पियर जो है वो करंट फ्लो हो रही है,
जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 7 एम्पियर। अब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो ई प्लस आई आर होगा, तो 8 वोल्ट प्लस आई कितना है 7 और आर कितना है 0.5, 3.5, 3.5 प्लस 8 11.5 वोल्ट जो होगा वो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, पूछ रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर, ये सीरीज रजिस्टर लगाने का पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है, आप गौर से देखो, आपने 120 वोल्ट की सप्लाई लगाई है चार्जिंग के लिए, जो सप्लाई लगाई है 120 वोल्ट की, लेकिन चार्जिंग में बैटरी के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 11.5 वोल्ट आ रहा है, यानी बचा हुआ इतना ज्यादा एक्सेस बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आ जाएगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर आपने ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया होता तो सारा का सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है 120 वोल्ट वो पूरा का पूरा बैटरी के अक्रॉस आ जाता। अब बैटरी है सिर्फ 8 वोल्ट की बैटरी को अगर आपको सेफली चार्ज करना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, 11 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसके अक्रॉस हो जाएगा तो चार्ज तो बहुत जल्दी होगी बट डैमेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीटअप होगी, बहुत जल्दी वो डैमेज हो जाएगी। तो चार्जिंग जितनी स्लो होती है बैटरी की लाइफ उतनी ज़्यादा होती है, इसलिए सोलर पैनल से होने वाली अगर बैटरी कोई चार्ज हो रही है, अगर सोलर पैनल की हेल्प से बैटरी चार्ज हो रही है तो सोलर पैनल की पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो बैटरी बहुत टाइम लगा के चार्ज होती है बट बैटरी जो है वो कई साल चलती है। लेकिन अगर आपने एक जल्दी चार्ज करने वाला इन्वर्टर खरीद लिया है तो जल्दी वो कैसे चार्ज करेगा, अगर 12 वोल्ट की बैटरी को जल्दी चार्ज करना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ उतना जल्दी बैटरी चार्ज हो जाएगी बट बैटरी डैमेज भी होगी। तो 120 वोल्ट की सप्लाई से अगर आपको 8 वोल्ट चार्ज करना है तो आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे जो इस पोटेंशियल का मेजर हिस्सा अपने अक्रॉस सस्टेन करेगा और बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है वो बैटरी के अक्रॉस जाएगा 11.5 वोल्ट, और फिर बैटरी आपकी चार्ज होना शुरू हो जाएगी।